राम राम भाई सारे भाई, यह नाम है भजन सिंह मणक माजरा, सोशल मीडिया पर बारे बीके यू सर छोटू राम। भाई यू मैंने थर एक दिन बताया था भाई, एक बिजनेस के बारे में बताऊंगा था ना, जो भी मेरे भाई खेती कर रहा हूँ उससे संबंधित यह वीडियो आ, और जो भी खेती छोड़ के इस काम न करना चाहते हो बिल्कुल 101% फायदे में रहोगे, क्योंकि वो काम मैंने खुद करके देख रखा ना। मैं था ना बकरी पालना कंधा, ना मैं था ना सूर पालना कंधा, ना मैं था ना नींबू का बाग लाड़ना कंधा, ना मैं अमरूद का बाग लाड़ना कंधा। जो मैंने काम खुद करके देख रखा उसी के बारे में थरते बताऊंगा, उसी के बारे में थरते पूरी जानकारी दूंगा। यू काम फायदे का है क्या, घाटे का है फायदे का। और भाई ये जो था ना सरकार के हालात देखे होंगे, इनका काम है सिर्फ मरपे दे वोट लेना, मारना पीटना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करे करते प्रधानमंत्री बनने से पहला, पर आज उनका रवैया कुछ हो रहा। बनने से पहले इनका गाय का मुंह लग जाएगा, और बनने के बाद इनका शेर का मुंह लग जाएगा। तो इसी के बारे में था ना इस वीडियो में बताऊंगा भाई, हम किस तरह से खेती से पैंडा छटा सको। जब तक खेती करोगे नई सरकार के जूत खाओगे। हमारा 13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों ने शहादत दी दिल्ली बॉर्डर पर। उसके बाद पीपड़ी भी लटखाए, सारी जगह किसान ही लटखावा। कभी कोई व्यापारी सोने का व्यापारी लटखांदा देखा, कपड़े का व्यापारी लटखांदा देखा, बिजली कर्मचारी लटखांदे देखे, या और कोई किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस कोई भी कुछ भी करता हो, कभी किसी का लठ लगता। मैं किसान का लठ लगा, और किसान की जो हालत थरते दिखा रहे, इससे बदहाल तो किसान कभी नहीं हो सकता। मोदी जी 2013 में बड़े रुक के मार मार का वीडियो बनाए कर रहे थे, वह वीडियो में था ना दिखा रहा हूं। तो भाई हमारे किसान भाइयों को मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। मोदी 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 इन भक्त का ये खुद हाँ, और सुनो मैं खुद इस काम को करवा के आऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। तो भाई यो भगत रुक के मारने लग गए होंगे मोदी मोदी के ना, इससे कोई मतलब नहीं बोलने की, कला जाना सिर्फ लोगों ने अपनी बातों में फसाना जाना, उससे पसावा ना किसान बात तक किसी का बल होया ना होने का। जिस तरह थारा जूत लग रहे हैं इस तरह लगते जाएंगे अगर मेरी बात ना मानोगे। जो थारी समझ में आओ काम कर लियो, नहीं समझ में आओ रहने दियो, वो भी थारी मर्जी है। बिजनेस थारते बताऊंगा भी खेती ना छोड़कर तुम किस तरह इस काम न कर सको। तो भाई ये दूसरी वीडियो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की एक और सुन लो, क्योंकि इसका काम निमट जाएगा, फिर मैं अपनी बात बता दूंगा। एक और सुनो किसान के बारे में, किसान बेहाल हो और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता। कांग्रेस वाले हो गांव में बढ़ जाओ वोट मांगने, जूतों पिटोगे। शर्मी की कोई बेशर्म आदमी हो, बेशर्मी की भी आदो हो। कांग्रेस वाले थारी वोट मांगने की मत किस तरह किसान बेहाल हो, इससे ज्यादा किसान के बेहाल होएगा। ये सुन लो भाई काम की बात जो मैं थरते बताना आया, सफेदा लाओ खेत में। सारे के सारे मेरे किसान भाई जितने वीडियो देख रहे, क्लोन सफेदा हुआ, एक जंगली सफेदा हुआ, संतर मलगा यू नहीं लाना, क्लोन सफेदा हुआ। 4 साल की फसल है, 4 साल में यू अव्वल में बिक जाएगा। मेरे खेत में जो सफेदा खड़ा है यू इस साल 3 महीना तो 3.5 साल का हो लिया। इस टाइम यू 3.5 साल तक भी 5 महीनों पर ले, 4 साल को लियो वर्मो लिया। यू एक ऐसी चीज है जिसमें था ना गाक सीधे का सीधा खेत में सफेदा लेन आवेगा, और इसमें कई भाई नू भी कह देंगे इसमें छावे की दिक्कत हो जाए, खेत में हो जाए ना चिकिरदा डोड़ पर लादे हो तो 40-40 पेडे 4 फुट की दूरी पर लगेंगे, तो 40-40 पेडे चुरगुर्दा लाओगे तो 160 पेडे चरगिरदा खेत के लग जाएंगे। फसल भी अच्छी होगी, छावे का कोई फर्क नहीं पड़ता खेत में। मेरी जिम्मेवारी दिखाऊंगा विधान नहीं। दूसरी बात, अगर तुम इन सीधी खेत में लाना चाहते छोटे किले में 4 बीघे में लगाएंगे 700 पेडे, और पूरा बड़ा किला किसी का 5 बीघे को उसमें लगाएंगे 1000 पेडे। सीख रही एक छोरा अपना यार दोस्त था बाहर जाए अमरीका, उसके 2.5 किले थे सावन, उसका नाम लाकर गया था 1200 पेडे लाकर जा रहा, तो उससे मिलना चाहते उससे संपर्क करना चाहते उससे भी कर सका। सबसे पहला छावा दिखा भाई, यू खेत में भाई ये तुम छावा देख सको फोन दे, तो ये थमरा छावा देख सको, देखे उर तक जमी साफ दिखेगा था ना, पर ना धूप और ना छावा, जीरी पे कोई फर्क नहीं, श्यामी जीरी भी खड़ी खेत में वो था ना साफ की साफ, नू की नू दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी भैया भाई किस तरह मतलब वो आप। तो भाई यो मैंने अपने खेत में जो पेडे ला रखे हैं दिखाऊंगा मैं थाना, मेरे पास खड़े 450 पेडे रीब, थोड़े दिनों मना 1 किले के पेडे 700 पेडे थे वहां भी बेचे, और मैंने 1 किले के चुरगुर 160 पेडे ला रखे थे वहां भी बेचे। ये पेडे की था मोटाई भी देख सको, दूर तक छावेगा पेडे पर के फर्क है के नहीं है वो भी इसमें देखोगे। और जो क्लोन इस पेडे का नाम है क्लोन, क्लोन सफेदा, इसमें डिमक भी आ जाकर थाना दिखाऊंगा। देख 2 पेडे सूख रहे देखो ऊपर, इस टाइम पेडे की ऊंचाई है 110 फुट 120 फुट, यू पेडा सूख गया, इसमें डिमक आ गया जड़ में, यू पेडा सूख गया, 2 पेडे सूख गए। अगर मैं रोक
अपने होंगे तो अगले पेड में नकली मारनी पड़ेगी चूना, जो उड़ तक 4 फुट तक चूना मारना पड़ेगा इस पर। जिस नाम हम गर्म करे कर सो का चूना का वहां कली का वहां उसने तो मार दो 100 रुपया कट्टा हुआ, कोई महंगा नहीं है, किसी मजदूर ने लाकर सारे पेड पर 4 फुट तक मरवा दियो तो अगर दिमक की बीमारी नहीं बदलेगी इसमें। तो भाई जिस पेडा खड़ा मां भाई इसने इसकी थाना मोटा ही दिखाऊंगा मैं, भाई पेडा कितना मोटो हो गया, यू 4 साल का पेडा भाई कितना मोटो लिया उड़ते देख सको। नीरे भाई के फोन भी आ जाएंगे लेने खातर, भाई मान नची हुआ पेडा नीरे गाका के फोन आवा, ये कैसी चीज है किसान ना मंडी में कोनी लेकर जानी पड़ती थाना पता जी भी, बीजेपी की सरकार है रही के हाल किसान का हो रहा, किसान की जो दुर्दशा हो रही है जीरी कड़ी बिक दी, कभी पर्ची कभी पोर्टल नहीं आंदा, कभी मैसेज नहीं आंदा, कभी कुछ नाटक कभी कुछ नाटक, तो हर बार ये किसान ना तंग कर रहे, जबकि थम कह दोगे तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे इस पेडे ने। भाई पेडा दिखा कांग्रेस के राजमा यूज पे 1200 रुपए क्विंटल बिका कर रहा था, आज बीजेपी के राजमा 500 रुपए क्विंटल 600 रुपए क्विंटल लग रहा है पिटन, जबकि कांग्रेस के राजमा 1200 रुपए क्विंटल इसका रेट था, बेसिक सर्च कर लियो किसी पूछ कर देख लियो लकड़ी काम वाले थे। तो भाई ये उसके बाद जीरी जो है कटी पड़ी या चलो प्यार अगले किले में बासमती थी, उड्डा के राजमा 10 साल में जीरी 6600 रुपए मैंने बासमती इसी किले में जिसमें मैं खड़े हूँ 6600 रुपए मैंने खुद बेच रखी बासमती जीरी, और जबकि आज तक खट्टर सरकार ने 8 साल में एक बार भी 6600 छोड़ो 5000 तक भी 4000 तक भी बासमती का रेट नहीं बेचा, और जो 1500 जीरी थी मैंने 5800 रुपए इस अगले किले में बेच रखी, जबकि आज तक खट्टर सरकार ने एक बार 3500 रेट नहीं पहुंचाया। तो थर तो यू ही निवेदन है किसान कसून का भला करने वाली कोनी सरकार है, इसकी सरकार ते हर एक वर्ग दुखी है, अगर था ना बचनो इस सरकार पे थे जिस भी भाई पर 2 किले हो सीधी पे ठोक दो, मैंने पता था गैस समस्या आ जाएगी भाई, हम किस तरह अपने घर का गुजारा करेंगे वह देख थारी प्रॉब्लम है, अगर स्पेदा लाओगे इसमें किसी भी कीमत पर घाटे में कोनी जान दो, सीधी था ना गाह खेत में लेना आवेगा मन चाहे रेट देगा, जो थम रेट कहोगे हम नहीं बेच दे वही थारा रेट लागा वही नूगा नू था नौर मा इस पेदा मैं आपको दिखाई दोस्त पेदा जी मैं मोटाई भी दिखाने लग रहा 4 साल में, क्योंकि नीरे भाई का वीडियो देखकर नीरे गाका का फोन आ जाएगा मेरे पास पेदा बेचना आगे भाई, पर मैं पेदा भी तो बेचना को नहीं चाहता क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं अभी, मैं क्या करूंगा पीछे का भाई कार थी कार लिया थे सारे काम हो गए अपने कंप्लीट, तो यार जीरी खड़ी इसके अगर थम कह सको ये छावा देखो ना ये देख छाव में भी दिखने लग रही है, जीरी था ना धूप में भी दिखने लग रही या पर लड़ी इतने में छावा उसके बाद भी जीरे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा किस तरीयों का, यू थम देख भी सको दूर तक इस पेदा लग रहा जो, तो इसमें मैं भी बढ़कर दिखा दूंगा मैं था ना ये देख सको थम उरा भाई नीचे जीरी खड़ी छावा भी आ स्पेदा नूगा नू खड़ा कोई फर्क बिल्कुल भी स्पेदे पर नहीं पड़ रहा, मोटाई देख लो स्पेदे की कड़ा पेडा पहुंच लिया, एक नंबर का बढ़िया बिजनेस आ, एक किले में थम इन्हें ला सको थम भाई ये जो था स्पेदा मैंने बताया यू 4 फुट की दूरी पर लगेगा, अगर था ना पूरे किले में लाने हो 700 पेडे तो 4 फुट की दूरी होगी पेडे के बीच में और लाइन वाइज लगेगा और बीच में 10 फुट की चौड़ाई होगी क्योंकि ट्रैक्टर के लो बाई भी हो सका जिससे पेडा ग्रोथ करा, और उसके बाद अगर था गिरदा लाना हो डोड़ा के तो जब भी 4 फुट पर पेडा लगेगा यू खेत में लगेगा 5 फुट पर लगेगा डोड़ पर लगेगा 4 फुट पर लगेगा, क्योंकि उससे मतलब चिरगिरदा खेत के लगेगा तो यू इसमें कोई भी छावा छुआ कुछ नहीं होगा किस तरीके होगा खेत पर फसल भी थारी नू के नू मिलेगी, पर फिर भी मैंने कहूँ खेत में ला लो इसना झंझट ना खत्म करो, सरकार के सिरो ओढ़ा लटकाओ जूते खाओ और रेट नहीं देंदी खरीदी नहीं एमएसपी नहीं देंदी सारे टंटे हैं सरकार के लो, अगर स्पेदा लाओगे थारे घरों दूर गाक थर पे खुद स्पेदा लेना होगा मन चाहे थर तो रेट देगा, अगर तुम कहोगे मम तो भाई 2 लाख में देना 1 लाख में वहां कहेंगे था ना मम तो 1 लाख देवा तुम कहोगे मान 2 लाख में देना वो 2 भी देवेंगे वो 2.5 भी देवेंगे वो सारे देवेंगे थारा मन चाहे रेट था ना मिलेगा, इसी करके मेरी सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है भाई इनके जूत खाने के बजाय इनके पैर पकड़ने के बजाय सारी उम्र था ना पिट देने होगा अगर पिटते रहोगे, इन पे अगर बचनो तो अपने खेत में स्पेदा लाओ और कलोन स्पेदा उसमें P23 और 413 दो वरायटी है 413 बहुत बड़ी वरायटी है सूखदी नहीं है सीधी लंबी की लंबी जावा 4 साल में तैयार हो जाए ऊंचाई अच्छी है गोलाई 4। दूसरी बात एक चपटो हो जा स्पेदा P23 है जो चपटा नहीं होता शुरू से गोल रहा गोल जो शुरू से रहेगा उसकी अच्छी डिमांड होगा 750 रुपए क्विंटल भी ना तुम बेच सको, और इसकी एवरेज किले में तो मतलब किसी भी कीमत पर थारा ठेके पर भी अगर खेत दोगे ठेका किसी कीमत पर मरदा कितने मंदे तो मंदा रेट आ जियो शाहबाद का नहीं हमने नगर का नहीं यूपी में सारे पॉपुलर स्पेदा काम करा पॉपुलर 7 साल में तैयार हुआ पर स्पेदा 4 साल में तैयार हो जा 3 साल में बल्ली में तैयार हो जा कड़ी तक थारा ठेका नहीं मरदा ना था ना किसी के पैर पकड़ने की जरूरत ना खार दुआ इसमें 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है बिल्कुल भी लाओगे खेत में अपने घरों जाओगे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना किसी तरीके का खार नहीं है दुआई नहीं है स्प्रे नहीं है कुछ नहीं है सिर्फ कल ही मैंने थर तू बताई अगर डिमक आ जा स्पेदा पेडा सुकड़ लग जा तो जिप जाएगा इसका कली का पोचा मारना सिर्फ 4 फुट तक जिस स्पेदे में मतलब डिमक आगे ना बढ़ा, तो धन्यवाद सारे के सारे भाई मेरी वीडियो शेयर करियो ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों का भला हो सके, धन्यवाद।